जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी यहाँ पे जो है हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता जी तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जिसने नाश्ता करने नाश्ता नहीं तो आप लोग कर रहे हैं। जी तो दोस्तों अब जो है वो सालन की तैयारी कर रहे हैं। सालन में जो है वो आज बड़ा गोश्त आया हुआ है, वो बना रहे हैं। तो उसके लिए अदरक लहसुन जो है ये बहुत, इसके बगैर तो मैं कहती हूँ मेरा सालन अधूरा है। और वैसे भी ये सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो जी लहसुन अदरक और साथ में प्याज, इनको इनका छिलका उतार लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर वो इनको काट लेंगे। प्याज काट लूंगी, अदरक लहसुन जो है इनको पीस इनका पेस्ट बना लेंगे। इनको जो है मैं किचन में रख लेती हूँ और गोश्त लेके आती हूँ फ्रिज में से। अच्छा जी गोश्त जो है ये मैंने इसको पहले से जो है वो धो के रख दिया था। अब जो है इसको पका लेते हैं। अच्छा जी इसमें जो है वो मैंने टमाटर प्याज अदरक लहसुन जो है वो बारीक बारीक काट करके जो है ये सारी चीजें जो है इकट्ठी करके डाल देती हूँ इसमें जो है ये जो है इसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ। ये की साइड जो है वो प्याज अदरक लहसुन सारी चीजें डाल के और साथ में तकरीबन पानी इतना डालूंगी कि गोश्त जो है ये गल जाए। अब जो है इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। अच्छा जी आज जो है धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, हालांकि बादल भी आए हुए हैं, कभी बादल छा जाते हैं, कभी जो है वो धूप निकल आती है। तो इधर जो है छत पे सोते हैं हम रात को। आप मैं दिखाऊं तो चारपाई जो है चारपाई रखना जो है ये बंद लगता है, भूल गए थे इसको जो है उठाती हूँ, उठा के इसको अंदर रखना है, ये भी रख लेते हैं। धूप में ना ये धूप में पड़ी पड़ी रहे थी, चार पहिया खराब हो जाती है, इनको जो है वो मैंने छांव में रख दी है। पुदीना भी बेचारा बिल्कुल सूख चुका है, लगता है इसको पानी नहीं मिलना, ये खुश्क हो चुका है, इसको पानी अब देंगे। अभी जो चलते हैं नीचे जी सालन भी चढ़ा दिए, कपड़े भी जो है वो मैं छत पे डाल रही हूँ। अब थोड़े से बर्तन हैं, इनको जो है वो जल्दी जल्दी धो लेते हैं। इनको जो है जल्दी जल्दी से धो लेते हैं, उसके बाद जो है फिर रोटियां बस रह जाएंगी, बाकी जो है वो सारा तकरीबन तकरीबन जो है वो हो चुका है।
जी तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको खुश और खुशहाल रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।